दोस्तों ये बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए, रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक शेयर बटन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके शेयर कर दीजिए। हाय दोस्तों, स्वागत है आपको ऑनलाइन इंडिया जॉब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको गूगल के एक इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ से आपको एक लाइक बटन दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ कमेंट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको सेटिंग जो दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लेना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है गूगल में। गूगल एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर देखिए गूगल है, तो आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों सर्विस में होता है, यहाँ पे सर्विस लेके और यहाँ पे होता है ऐड, तो आपको एड्स में क्लिक करना है। दोस्तों आपने देखा होगा जैसे हम गूगल की कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या फिर कोई और एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसमें एडवर्टाइज आते हैं। तो सारे एडवर्टाइज गूगल के होते हैं। अगर आप कोई और एप्लीकेशन में एडवर्टाइज देख रहे हो तो गूगल के एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन में दिखाया जा रहा है, लेकिन सारे के सारे एप्लीकेशन जो होते हैं गूगल की होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो ना, आप उस ऐड को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आप जिस ऐड को देखना चाहते हो सिर्फ आपको वही ऐड दिखेगा, बाकी अदर ऐड्स नहीं दिखेगा। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल सबसे पहले ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है ऐड बाय गूगल, तो आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउजर में डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, लिखा होगा कीप इन माइंड। तो आपको कीप इन माइंड में आप देखोगे यहाँ पर लिखा होगा ऐड सेटिंग, तो आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करोगे ऐड सेटिंग में, तो यह आपको सारे ऐड्स दिखा देगा जो ऐड्स गूगल आपके मोबाइल में रजिस्टर कर कर रखा है, यानी कि वो ऐड आपको दिखाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद ये सारे ऐड्स जो भी देख रहे हो, ये सारे ऐड्स मेरे को दिखाया जा रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ध्यान से ये जो है ये एडवर्टाइज मैं नहीं चाहता हूँ, या फिर कोई एडवर्टाइज इसमें है जो आप नहीं चाहते, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा है टर्न ऑफ, तो आपको टर्न ऑफ में क्लिक कर देना। जैसे आप टर्न ऑफ में क्लिक करोगे इस तरह ये टर्न ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये एडवर्टाइज जैसे टीवी एंड वीडियो से, तो ये एडवर्टाइज आपको कभी दिखेगा ही नहीं। ट्रैवल वाला जो जितना चाहे आप इसमें देखना है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना। जैसे कि यहाँ पे है कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर है, ठीक है, कुकिंग रेसिपी, ये मैं नहीं चाहता, तो मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगा। टर्न ऑफ हो गया, तो इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि कभी भी गूगल आपको मतलब आउट ऑफ कंटेंट, जैसे जो कंटेंट आप नहीं चाहते हो वो वीडियो आपको, वो एडवर्टाइज आपको कभी नहीं दिखाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल से ट्रिक दोस्तों आपको कैसा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो दोस्तों आपको अपने कीमती समय देकर हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।